अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ बैठे कि अभी सब लोग डांस करेंगे। तिकडे नाच काम जोरात आहे, होड्याने हो त्याची शूटिंग का आता झाले। होडी 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 संपल्यावर होडी आता ते पण आता येतील नाही का। यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे ना होड़ी, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसा रहता है कि कुछ तो भी मोखाड़ा से शायद वो लोग आए थे, और वो सॉन्ग बोलते हैं ना सॉन्ग, मतलब अलग अलग तरीके से सर धर कर आना और डांस करना, उसको वो होड़ी बोल रहे थे और हम कुछ और ही समझ के बैठे थे, जिसके ऊपर हमें फिर इतनी हंसी आई थी। तो वो सब आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा, इनके यहाँ कैसा रहता है क्या रहता है। वो अलग अलग रूप भी ना चेंज करके आ रहे थे, तो उस तरीके से है। और यहाँ पे मैं हमने बातें की थी, लेकिन आवाज़ इतनी थी कि अभी मुझे वो बातें कट करके मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा था ना सब यहाँ पे चला है। अजय का बर्थडे भी मनाकर हो गया है, तो बहुत मजा आ रहा है, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने ना होटल रूम लिया है, वो तो सब गया अजय लेकर और यहाँ पे जो दानिश पूछ रहे थे वो ही पूछ रहे थे कि हमने अजय के बर्थडे के लिए केक तो लाया ही था, लेकिन इतने यहाँ सारे मतलब शादी वगैरह है, तो इसलिए हमने सोचा कि और भी हमें कुछ लेकर जाना चाहिए। तो हमने फिर बहुत सारे वो बड़े बड़े पैकेट नहीं आते बिस्किट के, एक साथ उसके अंदर बहुत सारे पैकेज रहते ऐसे वाले, सब हमने फिर मारी के पैकेट लिए थे। और दानिश ने स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे पैकेट लिए थे, और इसके अलावा क्या था, ऐसी चार से हाँ वेफर भी लिए थे। ऐसी तीन चार चीज़ें थी जो हमने फिर यहाँ पे बांट दी थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ना दानिश आए और इस तरीके से सूखा सूखा कैसे हो सकता है। और दानिश तो वैसे ही फेमस है यहाँ ये सब चीज़ें बांटने के लिए, तो इसलिए फिर अजय के बर्थडे के साथ साथ हमने वो सब अरेंज किया था। तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं, जितना हमें बोला गया उतना ही। पहले तो वो होड़ी बोलते थे, तो हमें क्या लगा कि जो पानी में नाव जो होड़ी मिलती है वो होड़ी, इसके लिए हमें खुद पे हंसी आ रही थी कि हम क्या सोच रहे ना, ये लोग का क्या कुछ अलग ही था। लेकिन ये जो भी था ना वो इतना अच्छा और इतना खूबसूरत था, देखो ना इन्होंने किस तरह से सब कपड़े वगैरह पहने हैं, तो मतलब जो पूरा ड्रेस कोड कुछ तो भी अलग करके आए थे। और ये एक बार आए मंडप पे सब कुछ नाच के वगैरह, दोबारा से चले गए और वापिस से फिर अलग तरीके से वो तैयार होकर आए थे। तो ऐसा ये लोग ना दो बार मतलब ड्रेस कोड बना कर आए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। इनका जो
बजाने का जो था ना वो भी अलग था, वो शादू की शादी का जो बैंड था वो अलग था। तो अभी ये जो मंडप में आ रहे ना, फिर अभी वो एक साथ सब दोनों बैंड वगैरह बज रहे थे और वो नाच रहे थे, वो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत मजा आई थी। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ दानिश को काफ़ी लोग पहचानते हैं, और जिस जिसको पता चलता था ना कि दानिश सेठ आए, वैसे वैसे हर कोई आके मिलता था, बात करता था। मतलब सच में हर कोई अपनी तरफ से एक मान देता था हमें, और वो इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब नहीं बता सकती, बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए दानिश भी बहुत खुश थे। और दूसरी बात मुझे याद आई, मैंने कल अजय से बात की कि मेरे पास कैमरा था, अगर मैं लेकर जाती तो मस्त एक फोटो एल्बम बन जाती थी, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहा, अजय को भी याद नहीं रहा, तो वो रह गया, बुरा लग रहा है। अभी हम सद्दू के यहाँ से आ चुके हैं होटल में, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रूम बुक किया था। तो दारू कितने 12 बजे आए ना हम लोग यहाँ? कितने बजे आए? 1:30 बजे आए। हम यहाँ आके आधा घंटा हो चुका है और रूम भी बहुत अच्छा है, और बच्चे पूरा सब जगह यहाँ वही तलाशी ले रहे, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। और दूसरी बात कि बच्चों के साथ ना रूम मतलब हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन जैसे कि यहाँ सब दानिश की पहचान वगैरह तो अच्छी बात होती है, मतलब हमारे लिए अच्छा साबित हो गया कि रूम मिल गया और सब अच्छे से हो गया। ओ पापा वो आई कुछ थोड़ा सा परेशान हो रहा है अभी। और आखिर दिन तो बहुत अच्छा गया, ज्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं, एक तो मेहंदी निकाली थी, ये देखो अभी कलर मेरे को आने वाला है क्योंकि ये ऐसा बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से 1 घंटा रखी होंगी मेहंदी, या 1 घंटा भी नहीं रखी। देखो क्या चला है, 1 घंटा भी मैंने मेहंदी रखी नहीं होगी, मैंने वैसे ही निकाली, उसको सूखने भी नहीं दिया मैंने ढंग से, क्योंकि रख ही नहीं सकती थी, बच्चे थे वह गाड़ी में, तो बच्चों के साथ वो घूमते हैं पूरा गाड़ी में, तो मैं कैसा रख सकती थी।
इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाई। तो अभी इतना थक गए कि जो याद नहीं है, सोना भी है, वीडियो भी करने है, क्या करूं। मेरा वैसी बहाने आज मेरा वीडियो भी नहीं आ पाया। एक तो सद्दू के यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, और मैंने कुछ किया ही नहीं था कि मतलब वीडियो तैयार ही नहीं किया था। तो चलो ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत मतलब एक तो तबीयत भी खराब, तबीयत भी ठीक नहीं थी और इतना सब कुछ, तो उसमें भी मैं परेशानी रह गई। इसलिए मैंने सोचा चलो जाने दो, छुट्टी ले लेती हूँ, और यहाँ से जाने के बाद अच्छा खासा रेस्ट लेना होगा, कि तबीयत खराब ही है लेकिन ये सब तो करना ही था। सही मायने में हालत तो कल खराब होने वाली है। कल एक साथ हमें 3-3 शादी अटेंड करनी है एक साथ एक टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा भारी जाने वाला है। तो हमने सोचा है कि हम सुबह यहाँ से तैयार होकर सीधा निकल जाएंगे, पहला सद्दू के ही पे जाएंगे, ऐसा सब तय किया है। तो हमें एक छोटा सा ना टूर दूंगी, बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा लगा है। अभी बच्चे लोग ने अच्छे से सोना चाहिए, तो मैं अच्छे से सो जाऊँ, वो अच्छे नहीं सोएंगे तो मैं अच्छे नहीं सो सकती, तो इसके लिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सब गया, और एक वीडियो मुझे और बनाना है, और देखती हूँ मैं कब बनाती हूँ, जो कि दानिश ने मुझे सरप्राइज।